डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुणे सिटी के टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको एक ऐप के बारे में जिसका नाम है क्रियो। ये ऐप इंडिया की पहली मैनेज्ड होम ट्यूशन ऐप है जो आपको घर बैठे एक होम ट्यूटर बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर आपका बच्चा या फिर आप एक होम ट्यूटर ढूंढ रहे हैं तो आप इस ऐप के थ्रू घर बैठे एक होम ट्यूटर बुलवा सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। और अगर आप एक ट्यूटर हैं और अपने शहर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, आप क्रियो गुरु ऐप डाउनलोड करके क्रियो से जोड़ सकते हैं और आप अपने करियर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 10 की तरफ, सर परशुराम भाऊ कॉलेज। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, एस्टैब्लिश 1916 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और ये लोकमान्य नगर में लोकेटेड है। इस कॉलेज का पहला प्रो ये है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पुणे में काउंट होता है। दूसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। तीसरा, यहाँ की फैकल्टीज भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। यहाँ के सिर्फ दो ही कॉन हैं, जैसे कि पहला है मेस की फूड क्वालिटी जिसमें इम्प्रूवमेंट का काफी स्कोप है, दूसरा यहाँ का मैनेजमेंट। बात करेंगे कॉलेज नंबर 9 की, इंदिरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के प्रोज की बात की जाए तो पहला है कि यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी रिलायबल है। तीसरा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। यहाँ के कॉन्स की बात की जाए तो पहला है कि इस कॉलेज की फ़ीस थोड़े हाई है। अब बात करेंगे कॉलेज नंबर 8 की, यशवंत राव मोहिते कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ये कॉलेज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के फायदों की बात करें तो पहला है कि यहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू आउट द कैंपस। दूसरा कि यहाँ की लैब्स वेल इक्विप्ड हैं। तीसरा कि ये कैंपस काफ़ी लाइवली है। यहाँ के नुकसान में पहला आता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट पैकेजेस इतने अच्छे नहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है। बात करेंगे कॉलेज नंबर 7 की, सेंट मीराज कॉलेज फॉर गर्ल्स। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, एस्टैब्लिश 1962 में हुआ था। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ की फीस अफोर्डेबल है। दूसरा, यहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। और तीसरा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा नुकसान है कि पुअर प्लेसमेंट्स। दूसरा, यहाँ का मैनेजमेंट अनरिलायबल है। बात करेंगे कॉलेज नंबर 6 की, अबीदा इनामदार सीनियर कॉलेज। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, एस्टैब्लिश 1991 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। अब बात करेंगे सबसे पहले इसके फ़ायदों की। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस कॉलेज के दो नुकसान हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छे नहीं होते और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। बात करेंगे कॉलेज नंबर 5 की, डॉक्टर DY पाटिल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये कॉलेज एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एस्टैब्लिश 1995 में हुआ था और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस कॉलेज के तीन फायदे हैं, पहला गुड कैंपस लाइफ, दूसरा यहाँ पर स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाते हैं, और तीसरा है इस कॉलेज की रेपुटेशन। नुकसान की बात करें तो पहला आता है पुअर प्लेसमेंट्स और दूसरा कि यहाँ की फैकल्टीज़ एवरेज हैं। अब बात करेंगे कॉलेज नंबर 4 की, नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और ये इंस्टीट्यूट 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज के तीन फायदे हैं, पहला है गुड कॉलेज मैनेजमेंट, दूसरा यहाँ पर वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं, तीसरा है यहाँ का फ्रेंडली स्टाफ और एनवायरनमेंट। यहाँ का सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ का प्लेसमेंट जो कि एवरेज बताया जाता है। दूसरा, यहाँ पर अकोमोडेशन सर्विस यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब बात करेंगे कॉलेज नंबर 3 की, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज को NBA द्वारा एक्रेडिशन मिला हुआ है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इस कॉलेज के फायदों की बात की जाए तो पहला है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, तीसरा यहाँ की कैंपस लाइफ जो कि काफ़ी अच्छी बताई जाती है। नुकसान की बात करें तो पहला है फूड एंड एकोमोडेशन जिसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे कॉलेज नंबर 2 की, ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से अफिलेटेड है, 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर इस कॉलेज के फायदों की बात की जाए तो पहला है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ की फैकल्टी, तीसरा यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। इस कॉलेज के दो नुकसान हैं जिसमें पहला आता है यहाँ का मैनेजमेंट, दूसरा यहाँ के फूड और अकोमोडेशन सर्विस में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अब बात करेंगे कॉलेज नंबर फर्स्ट की, सिम्बायसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये कॉलेज सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे इस कॉलेज के फ़ायदों की। इस कॉलेज के तीन फायदे हैं, पहला है गुड कंपनी टाई अप्स, दूसरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का तीसरा फायदा है प्रोफेशनल फैकल्टीज़। इस कॉलेज के नुकसान हैं जिसमें पहला आता है यहाँ के प्लेसमेंट्स, दूसरा यहाँ का फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सिटी के भी कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स को कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।